गाइस प्यारे प्यारे पड़ोसी जो हमारे इस लोकेशन पर है, प्यारे प्यारे बच्चे हमारे कई वीडियोस में उनको आ भी चुके हैं, कई बार आ चुके हैं। पिछली बार भी उनको पनीर खिलाया था, बट ऑलमोस्ट एक साल बाद भी उन्होंने पनीर की डिमांड की है। इससे ये चीज साफ हो जाती है कि चौधरी साहब पनीर बड़ा अच्छा बनाते हैं। सब कुछ नहीं, सब कुछ ही अच्छा बनाता हूँ, बच्चों को पनीर पसंद आया। देखिए हमने ये लेज वगैरह पैकेट जो होते हैं चिप्स के हो गए और बिस्किट वगैरह हो गए, और ये इतना उन्होंने खुद डिमांड की थी कि हमें कलर्स चाहिए, मैथ की, हिंदी की, इंग्लिश की बुक्स चाहिए, और जो भी होता है रबड़ वगैरह, शॉर्पनर वगैरह जो भी चाहिए, बेसिक स्कूल का सामान लगा लो, जो जो उन्होंने मांगा है वही हमने उनको लेके दे दिया, जिस चीज की उनको जरूरत है। तो अब चलते हैं, शाम को देखेंगे उनके फेस पे जो अच्छी सी स्माइल आएगी उससे हमारा जो पैसा वसूल हो जाएगा, जो भी मेहनत की होती है वो सारी वसूल हो जाती है। सो गाइस फाइनली हम अपनी कैंपिंग लोकेशन पे वापस पहुंच चुके हैं, शॉपिंग कर ली थी, आपको दिखा दिया है। अब चौधरी जी बना रहे हैं हमारे लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट अदरक वाली चाय, जिसमें डलेगा ये इनका सीक्रेट मसाला। मसाला नहीं है, 136 प्रकार की जड़ी बूटी है। जड़ी बूटियां तो तुम उसमें डालते हो ना खाने में, ये जड़ी बूटी चाय का मसाला होता है। हाँ, तो ये 136 प्रकार के मसालों का मिश्रण है, ये बोलो। हाँ, तो कड़क बनाना अच्छा है, बड़े दिनों से अच्छी चाय नहीं मिली है। जिसे कहते हैं ना, अंदर तक आत्मा तृप्त हो जाए ऐसी चाय बनाना, 100% होगा, गला तृप्त हो जाए। उसके बाद हम करेंगे अपनी शाम की पार्टी की तैयारी इन शरारती बच्चों के साथ, जिन्होंने भैया को बहुत ज्यादा तंग किया हमने सुना है। हैं, क्या क्या किया था वैसे है हर्षित, कैसे तंग किया था भैया को? शाम का सीन कुछ ऐसा है, यहाँ हो गई आज हमारे शाम को महफिल जमाने की तैयारी। लकड़ियाँ मिल गई हैं, थैंक्स टू अम्मा जी जिन्होंने हमको ये लकड़ियाँ दी हैं। चौधरी जी कर रहे हैं डिनर की तैयारी, या हमारे शेजी जी भी कुछ स्ट्रगल में लगे हैं टेंट की। और आज हम क्या बनाने जा रहे हैं चौधरी जी? पनीर का बन जाएगा कुछ कुछ, कुछ अब तुम्हें यही नहीं पता क्या बनेगा पनीर का? वो तो बनने के बाद पता लगता है। बहुत होता है, पनीर टिक्का होता है, मलाई पनीर होता है, पनीर की भुर्जी होती है, और क्या होता है, शाही पनीर होता है। मेरे बनाए गए पनीर का नाम कोई नहीं है, बन के जब तैयार होगा तो पता, तो मैं नाम दूंगा, तो वो देंगे नाम, अगर कोई गलती होगी तो उसको उस हिसाब से मॉडिफाई कर देंगे। हाँ, और ये पनीर बन रहा है हमारे बच्चों की फरमाइश पे, हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ रहते हैं, रात को उनको पनीर देंगे, साथ में वो बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं कि आंटी हमारे लिए हमारा मंगाया हुआ सामान लाई है कि नहीं लाई। वो देखो चौधरी, ये सब कुछ है, आपकी चौधरायन ने सब कुछ करके रखा है, देखो एवरीथिंग इज ऑल रेडी, वो पनीर भी कटा हुआ है। और अब आपकी बारी है अपना फर्ज निभाने की, खाना बनाने की। ठीक है, सो हियर वी गो। आज बड़े दिन हो गया चौधरी जी, थोड़ी तड़तड़ करा दो। बड़े दिन क्या, तुम रिकॉर्ड ही नहीं करती, तड़तल तो मैं रोज ही कराता हूँ। आज हमने भर भर के थोड़का काटा है, और हाथ धो लेना, ये मिर्चें बहुत कड़वी हैं। दूर है ना, इसके छींटे बड़े पड़ते हैं। तुम पास बैठे हो, मैं तो दूर ही हूँ। आहा, मजेदार। हाँ, इधर तक खांसी पहुंच गई, खांसी आ गई है, शुरू हो गई है। क्या बात है, देखो इतना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से, व्यू इन द सेंस ऐसे धुआं मेरी तरफ आ रहा है, पूरा सारा इसी तरफ आ रहा है, दे रहा है। खांसी भी दे रहा है।
सो गाइस देखते हैं हमारे ग्रेवी का क्या हालचाल है, कैसी बनी है, लाल लाल बनी है, काली बनी है, क्या बात है, बढ़िया रंग आया है। अब इसमें डाल देंगे तेल, कैसे ऊपर आ गया बिल्कुल, तभी तो ये सही पका है, तभी आया ना। इसमें गया हमारा पनीर, बस इसको कर दो मिक्स और डाल दो हमारे मुंह में। अभी लेकिन चावल बनने बाकी हैं, चावल बनेंगे उसके साथ गरम गरम पनीर और शिमला मिर्च। इसको पता है क्या कहते हैं, मैं बताऊं इस डिश का नाम? अब नामांकरण कर दो इसका। इसका नामांकरण है जो शिमला मिर्च के साथ बनता है, उसको रेस्टोरेंट्स में भी कहते हैं, उसको कहते हैं पनीर पसंदा। पनीर पसंदा, हाँ। इसको तो गले में डालेंगे फंदा इसके, अभी फंदा कौन सा फंदा डालेंगे चावलों का। तो हम खाएंगे पनीर पसंदा चावलों के साथ, और आप वर्चुअली खाओ, मजे लो हमारे साथ। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। तो गाइस हमने पनीर बहुत अच्छा बनाया था मैंने, बट हमारे साथ ट्रेजेडी ये हो गई कि मैंने पनीर ट्राई करके देखा, फिर दूसरों को भी ट्राई कराया, हमको पनीर एक्सपायरी तो नहीं था, इसकी एक्सपायरी 2024 जून तक की है, बट हमारे साथ चीटिंग ये हुई है, हमें जो शक हो रहा है कि ये पनीर फ्रिज में नहीं रखा गया, अरे खराब हो गया, और ये खराब हो गया, मतलब जितनी भी मेहनत पिछले 1 घंटे से मैंने की वो सारी बर्बाद होगी। हम इसमें से चुन चुन के पनीर निकाल रहे हैं, अब बनाऊंगा सोयाबीन का कुछ बनाऊंगा, निकालना पड़ेगा भाई साहब, अब क्या करें। कितना था, 1 किलो लगभग, आधा किलो, आधा किलो बताओ, और टुकड़े भी छोटे छोटे काटे ना मैंने, नहीं काटे टुकड़े, कटे हुए थे। अच्छा कटे कटाए थे, कटिंग कटे हुए टुकड़े आए थे पैकेट में। बेकार पनीर भाई, अमूल वालों को बता देता हूँ, अमूल वालों का नाम बदनाम हो गया आज ऐसे लोगों की वजह से। आज मैं को लगता है रोटी नसीब हो, है ना, ये तो मैं निकाल दूंगी, पानी ही है, चावल पके हैं कि नहीं पके, मेन तो ये चावल नहीं हो रहे हमारे, चावल तो हो गया। हाँ, ये गाड़ी की हिल रही है, भूकंप आ गया, क्या हो गया, चप्पल पड़ी है भैया साहब आगे, ये पड़ी आगे चप्पल, आगे क्यों कर रहे हो? वो ना धुआं भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, वाइट वाइट भी उड़ रहा है, राख उड़ रही है, आगे कर दो, मेरी गाड़ी के बराबर लगा दो। लो भैया पनीर वाली ग्रेवी के साथ इसमें अब सोयाबीन डाल दिए गए हैं, क्योंकि ठंड है बहुत, दोबारा से सब्जी बनाना, दोबारा से तड़का काटना हमारे बस की बात थी नहीं, तो ये इधर बॉनफायर हो रहा है आज, मतलब खाने का इतना ज़्यादा स्ट्रगल हो गया हमारा, चावलों का पानी नहीं ख़त्म हो रहा, और उधर क्या कहते हैं इनकी चप्पल नहीं निकल रही, और पीछे करो हिलाओ मैं निकालता हूँ, मतलब ट्रेजेडी पे ट्रेजेडी हो जा रही है आज, तो टाटा सफारी का लोहा मानने को तैयार नहीं। लो जी अभी इसको निकाल दी, और अगर ये भाग गई आगे की तरफ रोकोगे कैसे? ये बंदा हमारा एक धुरंधर है, इसको खाई में गिर गई तो आगे, इतनी में टाटा की इतनी परीक्षा मत लो, सही है, रुक गई, सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही स्पॉट पे खड़ी है। तो भाई अब भाई जो है खा लो बस, अब तो पेट भरने वाली बात है, खत्म, कच्चा पक्का सही खराब जो कच्चा पक्का तो नहीं है, पक तो गया साला, एक ज्यादा पक गया एक कम पक गया, समझ नहीं आ रही कुछ आज, ठीक है, सबसे स्वाद तो दही होगा, आज दही लेके आऊंगा, अगर वो भी साले ने एक्सपायरी वाला ने दे दिया वो, नहीं मैंने खा के देखा दही तो ठीक, ये वीडियोस तक पहुंच जाए फिर पता लगेगा उसको, मैं साले साले किसे कह रहा हूं। तो भाई ये हमारे सोयाबीन ग्रेवी, जो पहले पनीर थी, नीचे चावल है, और ये हमने ये बनाया क्या कहते हैं रायता बनाया, साथ में ये बहन जी हैं इनको खाएंगे, इसी के सारे हैं आज, तो यही टेस्ट को एनहेंस करेगी। बाकी इधर आपको दिख रहा है बॉनफायर है, माहौल तो अच्छा है, बट मेहनत 2-3 बार करनी पड़ी, तो इसलिए रिजल्ट का हमें थोड़ा शक था कैसा होगा, बट खाने लायक है, उतना औसम नहीं है, बट ठीक है, चलेगा काम। जितना पनीर देख के अच्छा लग रहा था ना, नजर लगी वर्चुअल वालों की, लगता है कि वर्चुअली खा रहे हो, हमें खिला नहीं रहे हो। तुम बार बार करी थी ना, आप भी खाओ वर्चुअली, वहीं से उन्होंने कहा लो तुम भी खाओ, फिर अब हमको नहीं खिला रहे ना, तुमको सजा मिलेगी अब। तो भाई हम लोग खाना पानी खा पी के, ये देख लो जी क्या हो गया, फ्लैश लाइट, देखो हम लोगों की ये सिचुएशन देखो भाई, ये देखो ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारे
नीचे स्लीपिंग बैग्स हैं, स्लीपिंग बैग्स, और अंदर हम लोग ने थर्मल वेयर्स पहन रखे हैं, और उसके ऊपर ये इतनी मोटी जयपुरी रजाई जो होती है बहुत फेमस होती है, ये वो वाली रजाई है। और हम लोग हैं चंपावत में, फील्स लाइक 2 डिग्री है, मतलब यहाँ पर पता नहीं कैसी ठंड है कि हम लोग 2 डिग्री में भी माइनस वाला जो एहसास होता है ना वो हो रहा है। तो बोलने की हिम्मत रही नहीं भाई साहब, अब हम सोते हैं, हम माइनस डिग्री में पहुँच गए ऐसा फील हो रहा है, पर है नहीं। तो मिलते हैं आपको कल सुबह, टिल देन गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह शक्ल मत दिखा। अच्छा, तो ये देखिए सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा है सर। क्या बात है, बड़े सही टाइम पे निकाला मैंने कैमरा, बिल्कुल सनराइज़ हो तो चुकी है, बट यहाँ से इसी टाइम होती है, वैसे सनराइज़ आई थिंक 1 घंटा पहले हो चुकी होगी लगभग, बट हमारी लोकेशन से अभी हो रही है हमारे लिए। तो ये हमारा सैजी ब्रदर खड़ा है इधर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, ये अभी बनाएंगे, कॉफ़ी पी रहे हैं और सैंडविच बनाने की तैयारी है, और आपके लिए भी बना रहे हैं। हमारे लिए भी बना रहे हैं, और क्या कहते हैं ये इनके यूट्यूब का नाम है लॉस्ट, द लॉस्ट रोमर, द लॉस्ट रोमर। तो ये हमारे ग्रुप में नए सदस्य जुड़े हैं, अब धीरे धीरे इनको पुराना कर देंगे, हम पुराने सदस्य हो जाएंगे। इनकी भी देख लो भाई, इनकी गाड़ी पे सुनो सही दिख रही है भाई, ब्लैक है ना, चमक रही है ऊपर से, ये यहाँ पे पूरा देखो स्लिपरी हो रहा है ये। हाँ, ये देखो ऐसे पता लगता है ना, ऐसे निकालो जब, ये देखो पूरी जम गई, चलो पिघल भी जाती है, जम भी गई, अब धूप भी निकल आएगी, बढ़िया। तो यहाँ से हमारा आगे जाने का है प्लान, आज रुकेंगे एक रिजॉर्ट में, रेस्ट मारेंगे, और वैसे तो हम 1 महीने में 1 बार नहाते हैं, बट इस बार 4th दिन नहाने जा रहे हैं, जल्दी नहा लेंगे। नहीं, लोगों के दिल में हमेशा ये होता है ना, कैंपिंग में नहाना कैसे, नहाना कैसे, ये भी दिखाओ कितनी ज्यादा बर्फ जमी और वो भी बड़ी स्टाइल से। क्या बात है, क्या बात है, हमें तो वहाँ लद्दाख जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लोग वहाँ मेरे से फोन करके पूछते हैं कि सर लद्दाख जाना, बर्फ नहीं पड़ी भाई, ये देखो बर्फ पड़ गई, इस ग्लास में डालो अपनी क्या कहते हैं जो भी ओल्ड मॉन्क वगैरह, सुबह सुबह जिनको शौक होता है, देखो पैग की तैयारी है, देखो उतना ही लगाया बस। मैं हम तो पीते नहीं ना, हम तो पीते नहीं, हमने तो धोने के लिए रखे थे यहाँ पे बर्तन। चलो उन्होंने क्या बताया था, मंजीत जी ने क्या कहते थे वो बर्फ, ओल्ड मॉन्क का नाम कुछ रखा था उन्होंने, बुढ़ा संत। सो गाइस, 2 बार चाय हमारी फट गई है, नहीं 2 बार नहीं, 1 बार फटी है, कल अमूल का पनीर धोखा दे गया, आज देखते हैं, ये लाइव दिखाऊंगा अमूल वालों को, बताऊंगा फिर मैं, शिकायत करूंगा उनको, दूध भी फट गया उनका, 1 बार फट गया, दूसरी बार देखते हैं, दूसरी बार बच गया, बच गया अभी, गुड़ डाल दिया, गुड़ नहीं डाला। शैजी भाई चीनी निकालो, चीनी डालेंगे इसमें, अब रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि हमारे इस बंदे ने जाना है, ठीक है, तो अब चीनी डाल लेते हैं, चाय पीनी है उसने भी, बगैर चाय के चलना मुश्किल है, डाल लो चीनी इसके अंदर भाई, 3 कप चाय है, 3 कप के हिसाब से डाल दो, 3 चम्मच बहुत है, है ना, ये छोटी भी तो है स्पून, कितनी डालते हो तुम, 3 के लिए 3.5 डाल देते हैं, चलो 3.5 डाल दो भाई, ये छोटी है देखो, 3.5 डाल ली है, सही है, एक और आधी और डाल दो, आधी और डाल दो, चलो जी, ये लॉस्ट रोमर की तरफ से चीनी आई है, अब चीनी इसके अंदर होगी लॉस्ट, अब देखते हैं क्या बनता है भाई, ये ना हो ये भी बैठ जाए नीचे को, फटने पे बैठ जाती है नीचे को, ये भी बैठ जाए। लो जी, चाय अपनी हो गई है तैयार, 1 बार फटने के बाद दूसरी बार तैयार हो गई है फाइनली, पकड़ो पकड़ो इसको, तेरी ऐसी तैसी, अरे जीना हराम कर रखा है सुबह से इसने, हैं सारी गंदगी डाल रखी है इन्होंने, सामने वो एक डस्टबिन बना हुआ है, सब कुछ वहाँ से उठा उठा के इन्होंने इतनी अच्छी जगह का सत्यानाश कर दिया, जगह देखो कितनी अच्छी है, बिल्कुल साफ़ सुथरी है, और जहाँ पे डस्टबिन है सारा डस्टबिन खाली कर देते हैं, ये देखो कैसे सारा, सारे बच्चों के डाइपर्स निकाल निकाल के फैला दिए इन्होंने यहाँ पर। अच्छा, बंदर चाय भी पीते हैं, अल्लाह भाई चाय तो नसीब हो पहले, थैंक यू। फाइनली हम लोग ये लोकेशन छोड़ के अगली लोकेशन के लिए जा रहे हैं, हमारे शैजी जी सीधा घर जाएंगे, हम लोग अब क्योंकि 4 दिन हो गए हैं, अब इतने भी हार्डकोर कैंपर तो है, बट स्टिल अब हमारे शरीर को
स्नान की जरूरत है तो हम एक होम स्टे लेंगे आज, सो दैट कि हम थोड़ा फ्रेश अप हो जाएं और कल से अपना दोबारा से ट्रिप कंटिन्यू करें, अगली लोकेशन पे जाएं। तो होम स्टे भी हमारा नियर बाय ही है, चंपावत में ही। और चौधरी जी फाइनली मशक्कत करने के बाद टेंट बंद करने में सक्सेसफुल हो पाए हैं। बाकी का काम मैंने कर दिया है, सारी गाड़ी मैंने समेटी है सिमरन जी ने, और अब बाकी का जो थोड़ा बहुत सामान रह गया है वो चौधरी जी की ड्यूटी है। हाँ, अपने आप को जब तक आप रिस्पेक्ट नहीं दोगे आप किसी और को नहीं दे सकते हो, तो इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम यू। तो अब सिमरन जी ने अपना काम कर दिया, चौधरी जी बस लगभग लगे हैं, और उसके बाद हम अपने होम स्टे के लिए निकलेंगे।